हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 मार्च 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अब हम लोग 5 लाख से ज्यादा के परिवार के हो गए हैं सदस्य, तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं था। एक एक सब्सक्राइबर, एक एक व्यूअर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। 5 लाख की फैमिली अब हम लोग हो गए हैं। जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब और ज़्यादा ध्यान से कंटेंट और ज़्यादा अच्छे कंटेंट देने की हमारी प्रतिबद्धता रहेगी। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए। मैं कोशिश करता रहूँगा आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की। तो चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड 2021 जीता? तो जीता था नोमैडलैंड ने। CISF के वर्तमान महानिदेशक कौन है? सीलवर्धन सिंह जी हैं। चलिए बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC महिला विश्व कप में सर्वाधिक मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ? तो ये दर्ज हो चुका है मिताली राज के नाम। मिताली राज दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये कैप्टन है और इन्होंने बेलिंडा क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर थी, महिला खिलाड़ी थी और महिला कप्तानी के रूप में उनके नाम 23 मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड था। लेकिन मिताली राज जो कि भारत की हैं ODI और टेस्ट टीम के कैप्टन, इन्होंने 24 मैचों में वर्ल्ड कप में कप्तानी कर करके ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड कप मैचों में ये 24 मैचों में कप्तानी कर चुकी हैं, इनमें से 14 में तो जीत हासिल हुई है। अभी देखिए भारतीय महिला टीम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अभी ICC का वर्ल्ड कप चल रहा है। कहाँ पर हो रहा है ये ICC का वर्ल्ड कप? ये आयोजित हो रहा है दोस्तों न्यूजीलैंड में। ध्यान रखना है, न्यूजीलैंड में आयोजित हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिताली राज के नाम बहुत सारे अवार्ड्स हो चुके हैं। एक तो दोस्तों ये 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली ये पहली महिला बन गई हैं, 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली। दूसरा, 20 साल से ज़्यादा का इनका कैरियर रह चुका है, ये भी वाली ये पहली महिला है। 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी हैं। इसके अलावा इन्होंने दोस्तों अभी 24 मैचों में यानी सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। ओके, अभी जैकब क्रिक्स का इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। मिताली राज से इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण कॉर्प की स्थापना की? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की, यहाँ कॉरपोरेशन होना चाहिए, ठीक है ना, कॉर्प मतलब कॉरपोरेशन इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना अभी हाल ही में भारत सरकार ने करी हुई है। आपको अगर याद हो जब बजट वाली वीडियो मैंने दी हुई थी तो बजट की वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया हुआ था। भारत सरकार ने बजट में ही इसके बारे में बताया था कि आगे चल करके राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की जाएगी। इसको देखिए बहुत ही अच्छे से समझिए दोस्तों, जो भारत सरकार की जो भी ऐसी फर्म्स हैं जिनके अंतर्गत कई सारी ज़मीनें, बहुत सारी बड़ी मात्रा में ज़मीनें जो हैं वैसे ही पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हुई हैं, जो कि जो मोनेटाइज नहीं है या कि जिनसे समझ लो एक प्रकार से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, तो ऐसी ज़मीनों को दोस्तों वो दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को या फिर किसी व्यक्ति को। अगर वो व्यक्ति अगर इंडिविजुअल भवन संपत्ति के रूप में यूज करना चाहता है तो भवन संपत्ति के रूप में यूज करे, ठीक है। अगर कोई ऐसा संगठन है वहां पर कुछ कोई उद्यम स्थापित करना चाहता है तो उद्यम स्थापित करे। तो यानी कि वो जो खाली पड़ी जमीनें हैं उनको मोनेटाइज किया जा रहा है, उनसे पैसा धन एकत्र किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। ओके, जिससे जो फर्म्स में जो फर्म्स घाटे में चल रही हैं तो उनको भी उससे संपत्ति मिल सके, साथ ही साथ सरकार भी उससे पैसे कमा सके। तो इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,000 करोड़ की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी यानी कि शेयर पर भी उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा लीज पर भी दिया जाएगा 150 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी के साथ भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले निगम के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल लैंड मोनेटाइज कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना को मंजूरी मिल गई है। क्लियर है, इसके बारे में 2021-22 के बजट में भी घोषणा करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, कोलगेट पोमोलेटिव इंडिया लिमिटेड का नया CEO और MD किसे नियुक्त किया गया? तो कोलगेट पोमोलेटिव इंडिया लिमिटेड का नया CEO और MD नियुक्त किया गया है दोस्तों प्रभा नरसिम्हन जी को। प्रभा नरसिम्हन आपको यहां पर इमेज में दिख रही है, ये होंगी कोलगेट पोमोलेटिव इंडिया लिमिटेड की नई CEO और MD। इससे पहले ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में काम कर चुकी हैं और इसकी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुकी हैं। ये यहाँ पर आएंगी राम राघवन की जगह पर। राम राघवन पहले CEO और MD थे, अभी ये प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिए गए हैं
एंटरप्राइज ओरल केयर में। क्लियर, अगला देखते हैं। हाल ही में BIS और किस IIT संस्था के बीच BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए समझौता हुआ है? तो अभी हाल ही में BIS और IIT रुड़की के बीच में यह समझौता हुआ है, BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो इसके द्वारा दोस्तों IIT रुड़की में एक्चुअली में BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर स्थापित किया जाएगा। तो BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी संस्थान में ये स्थापित किया जा रहा हो, ठीक है। मानकीकरण चेयर ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी एक संस्थान में इंस्टीट्यूट में स्थापित हो रहा है। BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे हम लोग कहते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो इसके द्वारा ये स्थापित हो रहा है। इसका पूरा नाम होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर। ओके, अच्छा IIT आया है, IIT से याद आया दोस्तों, अभी IIT दिल्ली ने दुनिया का सबसे छोटा एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया था, याद होगा आपको। भारत सरकार ने जब UAE के साथ समझौता किया था तो भारत सरकार ने घोषणा की थी कि UAE में भारत अपना एक IIT संस्थान खोलेगा। तो भारत अब किसी विदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब IIT संस्थान खोलने जा रहा है। IIT भारत का सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में से एक माना जाता है। क्लियर, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने MSME आइडिया हैकथॉन 2022 लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे जी ने MSME आइडिया हैकथॉन 2022 लॉन्च किया है। ये MSME सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया है। MSME यानी कि होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसके लिए नारायण राणे यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं जो कि, तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही होगा कि जो MSME सेक्टर है उसको और ज़्यादा इनोवेटिव बनाया जाए, साथ ही साथ जिससे भारत को इनोवेशन में बढ़ावा मिल सके और MSME सेक्टर को भी बूस्टअप मिल सके। तो MSME सेक्टर को चैंपियन बनाने के लिए ये प्रेरित करेगा, MSME आइडिया हैकथॉन। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में किस मंत्री ने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक लॉन्च की? तो अभी हाल ही में भूपेंद्र यादव जी ने ये पुस्तक लॉन्च की हुई है, रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट। यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं, ये हैं भूपेंद्र यादव जी। ये कौन है? ये दोस्तों केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं। तो इन्होंने ये पुस्तक लॉन्च की हुई है। इस पुस्तक को एक्चुअली में दोस्तों अभी VB गिरी श्रम संगठन ने प्रकाशित किया हुआ है। इसमें भारत की विकास यात्रा में जो श्रम के योगदान को रेखांकित करने वाले 12 लेख हैं वो इसमें शामिल हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक वीक समारोह में ये लॉन्च किया गया है। क्लियर है, अच्छा श्रम आया हुआ है तो श्रम से आप लोग याद रखेंगे श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे हम लोग कहते हैं ILO। तो ILO की स्थापना कब हुई थी? 1919 में, जिनेवा में हेडक्वार्टर है और गाय राइडर इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। अच्छा 1 मई को दोस्तों मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस या विश्व मजदूर दिवस, ठीक है। 2 पॉइंट आप यहां से लिंक कर सकते हैं। अगला, अब पुस्तक और लेखक इस महीने के कौन कौन से आए हैं? एक तो अभी उंगलिल ओरुवन नाम की आत्मकथा आई थी MK स्टालिन जी की, जो कि तमिलनाडु के CM हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। द मिलेनियल योगी दीपम चटर्जी की पुस्तक है। द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल, ये अमिताभ कुमार की पुस्तक है। 3 पुस्तकें भी आप रिवाइज कीजिए। अगला, हाल ही में किस देश की AARC ने भारत के क्लास के साथ समझौता किया? तो दोस्तों अभी ऑस्ट्रेलिया की AARC ने भारत के क्लास के साथ समझौता किया हुआ है। पूरा ध्यान से समझिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया की AARC का मतलब ये हुआ दोस्तों ऑस्ट्रेलियन आर्मी रिसर्च सेंटर। तो इसने भारत के क्लास यानी कि सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज इसके बीच में समझौता किया है। अभी ऑस्ट्रेलिया सेना के जो प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड बूर, ये 3 दिनों के लिए भारतीय यात्रा पर थे 8 से 10 मार्च तक, और इन्होंने भारतीय सेना का जो थिंक टैंक है सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज इसका भी दौरा किया और इसके साथ मिल करके काम करने में रुचि जताई। अब दोनों मिल करके काम करेंगे और इससे सेना को फायदा होगा। सेना को जो भी रिसर्च चाहिए, जो भी थिंक टैंक चाहिए बेहतरीन, वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिल करके डेवलप करेगी। ओके, तो ये दोनों संस्थाएं मिल करके काम करेंगी। अच्छा भारत के उप प्रमुख कौन है सेना के उप प्रमुख? वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, वो भी इनसे मिले थे। क्लियर है, चलिए तो अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया आप देखेंगे तो ये एक नए कॉन्टिनेंट में है। यहाँ पर जो ही है ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, उसी का देश है ऑस्ट्रेलिया। कैनबरा यहाँ की राजधानी है। स्कॉट मॉरिसन यहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर, 30वें नंबर के हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। पार्लियामेंट यहाँ की संसद का नाम है। अच्छा भारत ने एक क्वाड डेवलप किया हुआ है।
तो क्वाड में चार सदस्य देश हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है यूएस यानी अमेरिका, एक है जापान, एक है इंडिया और एक उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है, कौन सा नाम है उसका सैन्य अभ्यास का? मालाबार। तो मालाबार सैन्य अभ्यास होता है, इसको आप याद रखेंगे। अभी क्वाड की मीटिंग भी हुई थी, ठीक है, क्वाड मीटिंग भी हुई थी। ये क्वाड जो बनाई गई है, ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई गई है। वैसे बाय द वे दो और क्वाड हैं, एक तो क्वाड ग्रुप में अमेरिका और इसके बाद कजाकिस्तान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, ठीक है, और दूसरा जो एक और क्वाड ग्रुप है वो भारत ने दोस्तों बनाया है इकोनॉमिक के लिए, ठीक है, उसमें अब अमेरिका उसमें भी शामिल है, भारत भी शामिल है, इसराइल शामिल है और यूएई शामिल है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी होगी। क्वाड मतलब चार, एक प्रकार से होता है चार का ग्रुप, तो चार देश का ग्रुप होता है जो उसे क्वाड कहते हैं। ओके, अच्छा, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, वो इस बैच को ले सकते हो। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर बैच है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 स्टूडेंट्स के लिए, तो आप इसे आप ले सकते हो एमजेटी ऐप पर जाकर के। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें आपका प्रिपरेशन कराया जा रहा है सीबीटी 2 बैच में। इसमें आपको वीडियोस दी जा रही हैं, साथ ही साथ उस टॉपिक की वीडियो का प्रैक्टिस सेट वीडियो भी लाया जा रहा है, और कभी कभी तो उसी वीडियो में लास्ट में प्रैक्टिस सेट करा दिया जाता है। यानी छोटा टॉपिक रहता है तो उसी में, अगर बड़ा टॉपिक रहता है तो अलग से उसकी प्रैक्टिस सेट की वीडियो लाई जा रही है। यानी वो टॉपिक बहुत ही अच्छे से आपका रटाया जा रहा है, पीडीएफ और मॉक टेस्ट तो आपको दिया ही जाता है। बहुत सारे फीचर्स हैं, आप जाइए पता कीजिए, देखिए एमजेटी ऐप में क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं इसमें। ओके, चलिए अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में डुप्लांटिस ने बेलग्रेड में कितने मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो अभी हाल ही में डुप्लांटिस ने पोल वॉल्ट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एक्चुअली में इन्होंने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया हुआ है। इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 6.19 मीटर का। इससे पहले इनका रिकॉर्ड था 6.18 मीटर का। 2020 में इन्होंने पोल वॉल्ट में एक रिकॉर्ड बनाया हुआ था 6.18 मीटर का, ये रिकॉर्ड अब इन्होंने तोड़ दिया है और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है 6.19 में पोल वॉल्ट में। ओके, तो मोंडो डुप्लांटिस ये स्वीडिश पोल वॉल्ट खिलाड़ी हैं, इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है अभी हाल ही में बेलग्रेड इंडोर मीटिंग्स में। हाल ही में साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो साहित्योत्सव दोस्तों ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, साहित्य अकादमी नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ 2022 का साहित्योत्सव। ओके, फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये भी था। 10 मार्च से 15 मार्च के बीच में ये आयोजित हो रहा है और 24 विजेताओं को इसके तहत साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। इसी के अलावा इसमें दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर साहित्य का प्रभाव, इस विषय पर 3 दिनों का राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित किया जा रहा है। देखिए 10 से 11 मार्च ये हो गया, उसके बाद 13 से 15 मार्च के बीच में 3 दिनों का ये इस विषय पर एक संगोष्ठी भी आयोजित किया जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का हाल ही में निधन हो गया? तो रफीक तरार ये दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट थे, इनका भी निधन हो गया है। ये प्रेसिडेंट के साथ साथ ये चीफ जस्टिस भी रह चुके थे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में, वहां के काफी फेमस, ये काफी बड़े राजनीतिज्ञ भी थे। ये पहले 1989 से 91 के बीच में वहां के हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे, इसके बाद 91 से 94 के बीच में वहां के सुप्रीम कोर्ट में जज भी रहे, इसके बाद 1997 से 2001 के बीच में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बने। तो इनका अभी निधन हो गया है 92 वर्ष की उम्र में। क्लियर, चलिए तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों 5 लाख सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। आप सभी लोगों को, एक एक पर्सन को बहुत बहुत बधाई, दिल से बधाई। और हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा है ये अचीवमेंट हासिल करने में, लेकिन जो भी है मेहनत का फल है, तो सेलिब्रेट तो करना बनता है। तो एक बार फिर से आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग को भी बहुत बहुत बधाई। क्वेश्चन ऑफ द डे में 2 क्वेश्चन आज भी हैं आप लोग के लिए। हर बार की तरह मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना किस राज्य सरकार की योजना है? दुनिया का सबसे बेस्टतम हवाई अड्डा कौन सा है? आई नो आप लोग दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आंसर कर ले जाओगे, आंसर करो फटाफट से। इसके रिलेटेड जो भी डिटेल्स हो उसको भी आप कमेंट करके बताओ। चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, साथ ही साथ आपका क्या ओपिनियन रहेगा, क्या सुझाव रहेगा, आप लोग वो सब भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं रोजाना के वीडियो में। चलिए मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।